हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अनिष्का का किचन में। आज आपको हम बताने जा रहे हैं पानी पूरी कैसे बनता है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अब हम दिल्ली आ चुके हैं अपने घर, तो आज आपको हम बताएंगे पानी पूरी कैसे बनता है। तो पानी पूरी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले हमने एक कटोरी सूजी लिया हुआ है, आधा कटोरी हमने मैदा लिया हुआ है, एक चम्मच नमक, थोड़ा सा हमने ऑयल लिया हुआ है एक चम्मच, और गुनगुना पानी लिया हुआ हमने डेढ़ गिलास। पानी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो हमने दो चम्मच बड़े बूंदी लिए हुए हैं, दो हमने हरी मिर्च लिया हुआ है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है, एक नींबू लिया हुआ है, फ्रेश हरा धनिया लिया हुआ है, काला नमक एक चम्मच, भुना जीरा इसको हमने पीस लिया हुआ है एक चम्मच, चाट मसाला एक चम्मच, पानी पूरी मसाला एक चम्मच, ये हमने पुदीना लिया हुआ है सूखा, इसको हमने एक चम्मच लिया हुआ है। आप इसके जगह पे फ्रेश पुदीना यूज कर सकते हैं। और हमने ये एक चम्मच नमक लिया हुआ है। चलिए, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। चलिए, अब हम डो तैयार करते हैं। एक कटोरी हम सूजी डालेंगे, आधा कटोरी इसमें हम मैदा डालेंगे, नमक हल्का डालेंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा ही। सूजी और मैदे को हम अच्छे से मिला लेंगे। और इसको हम थोड़े थोड़े पानी में ही इसका डो तैयार करेंगे। ज़्यादा पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी इसमें हम डालेंगे डो तैयार करने के लिए। थोड़ा पानी और डालेंगे। जब भी हम गोलगप्पे के लिए डो तैयार करेंगे, ज़्यादा हमें हार्ड और ज़्यादा हमें गीला नहीं करना है। इसको पूड़ी के आटे से थोड़ा सा सॉफ्टी कर रखना है हमें। हमारा जो डो है ये तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा हम तेल डालेंगे और लगाएंगे डो में, और इसको थोड़ा सा और हम एक दो मिनट तक गूंथ लेंगे अच्छे से। डो हमारा बनके तैयार हो गया है, इसको हम 15 मिनट तक ढक के रख देंगे। चलिए, अब हम पानी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने हरी मिर्च लिया था, इसका हमने दो भाग कर लिया हुआ है, इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे, और ये अदरक का टुकड़ा है इसको डालेंगे, और हरे धनिया की पत्ती इसको हमने दो भाग कर लिए हैं, इसको हम डालेंगे। और यहाँ पे हमने लिया हुआ है सूखा पुदीना लिया हुआ है एक चम्मच, इसको हम डाल देंगे इसमें। एक चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे, और थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, और इसको हम ग्राइंड करेंगे। मिक्सर में हमने ग्राइंड कर लिया है, यहाँ पे हमने दो गिलास पानी लिया हुआ है, इसको हम इसमें मिला देंगे। आप चाहे तो इसको छान के भी डाल सकते हैं इसमें। इसमें हम काला नमक डालेंगे, भुना हुआ जीरा डालेंगे, एक चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे, और एक चम्मच हम पानी पूरी मसाला डालेंगे, और सादा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा नमक हमने और हरे धनिया की पत्ती में ग्राइंड किया हुआ था मिक्सर में, तो इसमें हम थोड़ा कम डालेंगे। इसमें हम नींबू का रस डालेंगे, और इसमें हम ये बूंदी डालेंगे। अच्छे से सबको मिक्स कर लेते हैं। इसको हम ठंडा होने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 15 मिनट हमारा हो गया है, तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बस इसमें हम तेल लगाएंगे हाथों में अपने अच्छे से, और इसको हम रोटी की तरह लोई लेंगे थोड़ा, और गोल बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे हम बनाएंगे इसको, और थोड़ा सा अपने चौके भी थोड़ा सा तेल ऑयल तेल लगाएंगे। अब हम ये जो लोई है इसको चौके पे रखेंगे ऐसे दबा के थोड़ा, फिर बेलन से इसको थोड़ा हल्के हाथों से इसको बेलना स्टार्ट करेंगे दबा के थोड़ा। इसको रोटी को थोड़ा सा बेलेंगे, ज़्यादा इसको हम पतला नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा सा ज़्यादा मोटा भी नहीं, मीडियम रखना है हमें। जो हम ये रोटी बनाएंगे, कहीं मोटा कहीं पतला ना रहे, ध्यान रखें। और इसको एक साइज का हमें बनाना है एकदम बेल के। ये देखिए, हमने जो चारों तरफ से इसको एक साइज का हमने बेल के तैयार कर लिया है। आप इसको चाहे बोतल की ढक्कन हो, चाहे छोटी सी कटोरी हो, उसका हम इस पर शेप रख के काटेंगे
ये हमने बोतल का ढक्कन ले रखा है, इससे हम सेप देंगे। ये देखिए हमारा सेब तैयार है, इसको हम अलग कर रख लेंगे एक बर्तन में। ऐसे हम एक एक करके सबको छुड़ा के यहाँ पे रख लेंगे। जो हमारा बचा हुआ ये डो है, आटा है, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे और जो बचा हुआ ये है इसको हम फिर लास्ट में बना लेंगे। इसको हमने गोलगप्पे की कटिंग तैयार कर ली है, अब इसको चलते हैं तलने। गैस हमने ऑन कर लिया है, तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे हम बने हुए गोलगप्पे। गैस का हम धीमा आंच रखेंगे। और इसको पलटे से दोनों तरफ चलाते रहेंगे, जो बने हुए गोलगप्पे हैं वो जले ना। इसको एकदम हम धीमी आंच में पकाएंगे। ये देखिए सारे गोलगप्पे हमारे फूल गए हैं, बहुत अच्छे से फूल रहे हैं। और ये जो हमारे गोलगप्पे अच्छे से सीज भी गए हैं, इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और ऐसे ही हम और गोलगप्पे बना लेते हैं। ये हमारे सारे गोलगप्पे बनके तैयार हो गए हैं। हमारे गोलगप्पे और इसका पानी तैयार हो गया है, ये बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हम फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में। ओके बाय।